गाइस कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी लोग गाइस यार यहां पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहां पर गाइस आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और यहां पर बेसिकली मेरे ग्लासेस के ऊपर जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा प्लीज इग्नोर करिएगा, ठीक है। आज के इस वाले वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहां पर GTA 6 के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल से बेसिकली यहां पर आपको पता ही चल गया होगा, अभी हाल ही में दोस्तों शायद से पिछले साल की ये बात है जब मैंने यहां पर अपने दोनों चैनल्स के ऊपर भी ये वीडियो डाला था, जब GTA बेसिकली उसका एक डेवलपिंग मोड था GTA 6 का और उसके कुछ सोर्स कोड वगैरह थे और भी बहुत सारी चीजें थी दोस्तों यहाँ पर जो लीक कर दी गई थी। तो उससे भाई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियली जो टॉपिक हो गया था। प्लस यहाँ पर रॉकस्टार ने भी एक पोस्ट डाल के बताया था कि ये मतलब जो हमारा लेटेस्ट अपकमिंग GTA गेम है उसके साथ ये हादसा हो गया और हम नहीं चाहते थे कि तुम सभी लोगों के सामने जो हमारा अपकमिंग गेम है वो इस हालत में आए। बट ये बात जो है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर रियल थी। तो अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताना चाहूंगा, अगर कोई मेन टॉपिक पे आना चाहता है ना तो डिस्क्रिप्शन में है ना सबसे ऊपर ना आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां पर जाइए और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का। वहां से अगर आप 60 पेज का जो पूरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों PDF फाइल आप उसको जो है रीड कर सकते हैं। तो ये PDF फाइल के अंदर बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, अभी हाल ही में दोस्तों PDF फाइल जो है यहाँ पर लीक हुई है और इसके अंदर लूसिया और वही दोस्तों यहाँ पर एक डेर है और एक जेन ऑरेस है जो कि यहाँ पर लाइव इन्वेटर का दोस्तों यहाँ पर CEO था GTA 5 के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर GTA 6 में देखने के लिए मिलने वाला है। GTA 6 के अंदर कौन कौन से वेपन्स ऐड किए जाने वाले हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेनली पूरे 60 पेजेस का जो PDF है वो मैंने पूरा प्रॉपर वे में दोस्तों यहाँ पर जो रीड वगैरह कर लिया है। तो मैं ऐसा अगर तुम वीडियो देख लेते हो तो मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म में जो है समझा दूंगा कि उसके अंदर बेसिकली यहाँ पर तुम्हें क्या क्या चीजें जो है देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वेपन्स है, तो वेपन्स के अंदर 2 या 3 वेपन्स यहाँ पर आपको जो है नए ऐड करने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एक तीर कमान टाइप है और एक दो और हैं बस, वो यहाँ पर आपको नए मिलने वाले हैं। और उसके अलावा जो GTA 5 के अंदर वेपन्स यूज किए गए थे ना वही सेम एज इट इज आपको GTA 6 में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। 4 से 5 गाड़ियां हैं जो कि नॉर्मल व्हीकल्स हैं, कोई ऐसे सुपर कार्स नहीं है। तुम्हें पता है GTA 5 के अंदर भी और GTA 6 के अंदर भी जितने भी GTA गेम्स हैं इसके अंदर कोई रियल लोगों वाली गाड़ी जैसे लैम्बोर्गिनी है ना वो पूरी लैम्बोर्गिनी गेम के अंदर यहाँ पर नहीं होती है। आई थिंक सो कि रॉकस्टार वालों के पास वो राइट नहीं है कि वो मतलब उसी गाड़ी के नेम से यहाँ पर जो कार लेकर आए, तो थोड़ी अलग कार्स यहाँ पर होने वाली है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पिछली बार था, ठीक है। और रहे यहाँ पर बात दोस्तों एक डेयर नाम का प्लेयर होने वाला है जो कि दोस्तों यहाँ पर लूसिया और जो यहाँ का मेल प्लेयर है उसको एक दूसरे से मिलवाता है, जेन ऑरिस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रैंकलिन ट्रेवर और जो हम यहाँ पर बात करते हैं ना अपन पुराने GTA 5 के प्लेयर्स की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको मियामी एयरपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और बात वही है दोस्तों यहाँ पर जो GTA 6 की जितने भी रूमर्स थे ना कि मियामी सिटी में बेस्ड होने वाला है गेम और वाई सिटी के मतलब हिसाब से उस तरीके से चलेगा, तो गाइज यह वही बात है, ये वाई सिटी के हिसाब से गेम को जो है दोस्तों यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है। और मियामी में जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों मुझे GTA 5 की सिटी ज़्यादा अच्छी लगती है और GTA San Andreas की भी, GTA 4 मैंने इतना ज़्यादा खेला नहीं, वाई सिटी मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं था, ठीक है। अगर तुम में से किसी का भी वाई सिटी ज़्यादा फेवरेट गेम है ना तो कमेंट करके बताना, बट मेरा उतना ज़्यादा फेवरेट गेम नहीं रहा वाई सिटी, क्योंकि दोस्तों उसकी सिटी में ना वो वाइब नहीं आती थी जैसे GTA 5 है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है और मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटर है हर चीज़, तो वो चीज़ ना एकदम क्रिस्प क्लियर लगती है, ठीक है। बट और मेरे को अदरवाइज ये वाली सिटी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती, अगर वैसे डार्कर एरिया रहा ना तो मतलब गेम उतना नहीं चलने वाला है, वाइब वही रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर GTA 5 के अंदर रहती है, सैन एंड्रियास के अंदर रहती है वाइब वो, और दूसरे किसी गेम में यहाँ पर देखने के लिए मिली। 4 एकदम वॉश आउट हो जाता है और वाई सिटी एकदम ब्लैकआउट सा गेम यहाँ पर जो चलता है, जो कि मेरे को पर्सनली अगर मैं अपना प्रेफरेंस बताऊँ तो मेरे को इतना अच्छा यहाँ पर जो है नहीं लगता है, ठीक है ना। और वेपन्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, गाड़ियों की जानकारी है, मैप की बहुत सारी लोकेशंस बताई गई हैं, प्लस यहाँ पर जो वेपन सेलेक्ट करने का जो व्हील है ना जैसा उसके अंदर दिखाया गया है शायद से वैसा आ सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पर रॉकस्टार की तरफ से उसके अंदर जो बेसिकली चेंज वगैरह कर दे वो होगा, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पर रॉकस्टार वालों ने एक पोस्ट भी डाला है,
उस फोटो के पीछे ना यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर भी एक बार वो फोटो दिखा दूंगा, देख लेना। तो फोटो के पीछे यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, तो इससे बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदाजा लगा रहे हैं जो GTA 6 है उसकी अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर के महीने में ही दोस्तों यहाँ पर जो है होने वाली है, और जो गेम है लेट 2025 या 2024 तक दोस्तों यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और बताया भी जा रहा है कि गेम जो पहले दोस्तों एक्सक्लूसिव होने वाला है PS5 के लिए, जी हाँ, और एक साल के बाद ये जो है PC के लिए आएगा दोस्तों गेम। तो जहां तक मुझे लगता है भाई ये बात इतनी ज्यादा मतलब कोई यहाँ पर जो है इतनी भी कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा लगता वो उस टाइम पर ना PC जो थे इतने ज्यादा पावरफुल्स नहीं थे, और जो यूट्यूबर्स थे उनके पास मतलब इतने कोई बड़े बड़े PC थे। अब से 10 साल पहले दोस्तों जब यहाँ पर GTA 5 आया था, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो जहां तक मेरा ओपिनियन है PC के लिए भी एज अ सेम टाइम ही गेम आना चाहिए। और जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपको उन 60 पेज के डॉक्यूमेंट में देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है मेरे चैनल का लिंक भी, तो फटाफट जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, पहला लिंक तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर चेक कर लो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हुई तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर तुम भाइयों ने अभी तक यहाँ पर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे यहाँ पर लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सब यहाँ पर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।